नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर उसके बारे में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक यतीन्द्र अग्रवाल जी हैं और इससे पहले भी मैं आप लोगों के क्लास का क्लास 7 का हिमालय की बेटियां, दादी माँ, कठपुतली और सारा वीडियो बना चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कोई चैप्टर अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो चैप्टर का नाम आप देकर देवनागरी दे दीजिएगा। देवनागरी का स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI दे दीजिएगा, आपको वह चैप्टर मिल जाएगा और खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अभी मैं आप लोगों को रक्त और हमारा शरीर पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि रक्त क्या होता है। रक्त खून यानी ब्लड को कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इस पाठ में हम लोग खून के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे कि हमारा खून कैसा होता है और यह लाल रंग का होता है। परंतु खून लाल रंग का ही क्यों होता है, खून की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है और हमारे शरीर में खून क्या काम करता है। फिर हम लोग ब्लड बैंक के बारे में भी जानेंगे कि ब्लड बैंक क्या होता है और रक्तदान के बारे में भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो किस तरह ब्लड बैंक से ब्लड लेकर उसको चढ़ाया जाता है तथा रक्तदान करना, किसी को जीवन दान देना होता है आदि बहुत सारी बातों की जानकारी आपको इस पाठ में मिलेंगे। तो हम लोग पाठ शुरू करते हैं, रक्त और हमारा शरीर। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कौन है छोटी बहन? अनिल की छोटी बहन का क्या नाम है? दिव्या। अनिल कौन है? अनिल दिव्या का बड़ा भाई है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। क्या नाम है? दिव्या। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उसे वह बहुत समय से जो है कमजोर सी है लेकिन इन दिनों कुछ उसके शरीर में थकान जैसी लगती है, मतलब थकावट जैसी लगती है, सुस्त जैसी रहने लगी है, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त किसको बोलते हैं? ब्लड को बोलते हैं, खून को बोलते हैं। तो जब डॉक्टर साहब दिव्या को देखे तो क्या बोले कि लगता है कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, क्योंकि खून की कमी होने से क्या होता है, सुस्ती आ जाता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, थकावट होता है। तो यह सब जब डॉक्टर देखे तो उनको पता चल गया देखने से ही कि यह सब लक्षण लग रहा है कि ब्लड की कमी से ऐसा लग रहा है। तो फिर वे सोचते हैं कि जांच कराकर देखते हैं, मतलब उसका टेस्ट करते हैं कि देखें उसका ब्लड ठीक ठाक शरीर में है कि नहीं है, क्योंकि अगर शरीर में ब्लड की मात्रा ठीक रहता है तो उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जाँच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। और क्या हुआ, उनके ब्लड टेस्ट करने के लिए वहां पर जो एक पास के कमरे थे, नजदीक में ही उनका टेस्ट वाला एक कैमरा होता है जहां पर ब्लड टेस्ट किया जाता है, वहां पर दिव्या को भेज दिया जाता है। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी और उनका भाई जो अनिल है उनके जान पहचान की ही एक डॉक्टर दीदी थी, वहां पर वो दिखाई देती है। तो डॉक्टर दीदी अनिल को कहती हैं कि कहो अनिल कैसे आना हुआ। तो अनिल बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। और अनिल डॉक्टर साहब को बता रही हैं कि आपके पास खून जांच करने के लिए डॉक्टर साहब बोले हैं, इसीलिए टेस्ट करना पड़ेगा। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। और क्या हुआ, डॉक्टर दीदी जो थी उन्होंने क्या किया, दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। क्या होता है, जिस समय ब्लड टेस्ट किया जाता है उस समय थोड़ा सा सुई चुभाया जाता है और ब्लड निकाल करके एक स्लाइड पर लगा दिया जाता है। स्लाइड क्या होता है, कांच का एक आयताकार टुकड़ा होता है, उस स्लाइड पर ब्लड लगाकर
फिर उसका टेस्ट करके माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो क्या किए, दिव्या की उंगली उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डॉक्टर साहब डाल देती हैं और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली कि अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, क्योंकि रिपोर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो दूसरे दिन रिपोर्ट तैयार हो जाएगा कि ब्लड की कमी है या नहीं उसका पता चल जाएगा। तो अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अब दूसरे दिन अनिल क्या करते हैं, उस ब्लड के रिपोर्ट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पर दरवाजा खटखटाते हैं। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। और जब वहां पर अनिल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे ब्लड टेस्ट जांच किया जाता है, तो वहां पर जांच कर रही थी डॉक्टर दीदी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है और उनको पता चल गया कि दिव्या के शरीर में खून की कमी है। और अनिल को बता रही हैं कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया किसको बोलते हैं, खून की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसका नाम एनीमिया है। तो बता दी, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब बोल रही है कि कुछ दिन दवा ले लेगी तो ठीक हो जाएगा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। अब अनिल डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा है तो डॉक्टर साहब बोल रही है, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। अब बच्चे हैं, उनको मालूम नहीं है कि एनीमिया क्या होता है। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम ही है कि खून की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो अब अनिल भी उतना बड़ा नहीं हुआ था, वो भी छोटा ही बच्चा था, तो पूछ रहा है कि एनीमिया से एनीमिया क्या होता है। तो यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। अब डॉक्टर दीदी बोल रही हैं कि तुम्हें खून के बारे में, इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान होता है। अब डॉक्टर साहब समझा रही है उनको कि एनीमिया कैसे होता है, क्या लक्षण है और ब्लड में किस चीज की कमी हो जाने के कारण एनीमिया होती है, यह सारी बात डॉक्टर साहब अनिल को बता रही है। अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान लगता है। और डॉक्टर साहब, दीदी क्या बोल रही है कि देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान, मतलब एक तरल पदार्थ के समान लगता है ब्लड, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमती के पिटारे से कम नहीं है। और कह रही हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखेंगे तो वह भानुमती के पिटारे, मतलब भांति भांति की वस्तुएं, जो एक पिटारा होता है, एक गोल जैसा जो एक पिटारा होता है, बॉक्स टाइप का होता है गोल, तो उसी भांति, कहने का मतलब यहाँ है कि भांति भांति के पिटारे से कम नहीं है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो भांति भांति तरह तरह की वस्तुएं जैसी दिखाई देती है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग वह है जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और वहां पर कह रही हैं कि एक जो तरल भाग होता है ब्लड में उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरे वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कह रही हैं डॉक्टर, कि मोटे तौर पर दो भाग होते हैं, एक भाग जो होता है वह तरल होता है, जो तरल होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, और दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, छोटे कण भी होते हैं, बड़े कण भी होते हैं, और कुछ लाल सफेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण। और डॉक्टर साहब क्या करती हैं, सूक्ष्मदर्शी से अनिल को दिखाती हैं कि देखो किस तरह से इसमें लाल रक्त कण दिखाई दे रहा है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। अब यहाँ पर
जो अनिल जब देखता है स्लाइड तो वह उछल पड़ता है, मतलब खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। आप देख सकते हैं बगल में किस तरह स्लाइड पर परीक्षण किया गया है, टेस्ट करके बताया गया है कि किस तरह का उसमें कण दिखाई देता है, तो इसी तरह का उस स्लाइड पर दिखाई देता है ब्लड का कण। तो इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब यहाँ पर अनिल कह रहा है कि जब मैं इस स्लाइड पर इस ब्लड का इस तरह से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बालूशाही का जो छोटा छोटा मिठाई होता है उस तरह का। तो बच्चे लोग, आप लोग जानते होंगे कि बालूशाही एक मिठाई होता है जो मैदे से बना होता है, मिठाई होता है, तो उसका आकार इसी तरह होता है जैसे आप अभी देख रहे हैं, गोल होता है, बीच में गड्ढा जैसा बना होता है। तो इस तरह का उसमें स्लाइड पर ब्लड कण दिखाई दे रहे थे। तो अनिल बोल रहा है, हाँ हाँ दीदी बोली। अब दीदी बोलती है, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं और बालूशाही की तरह ही उसका आकार होता है, गोल और दोनों तरफ अवतल, जिस मतलब गोल होता है, दोनों बीच में जो है गड्ढा जैसा बना होता है, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अब यहाँ पर बता रही है दीदी कि यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें कितना मिलेगा, 40 से 55 लाख कण उसमें होते मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, मतलब देखने को मिलता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम लोग प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर दीदी उनको बहुत तरह से समझा रही हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं और साफ हवा जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तो उसका काम भी इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, 4 महीने ही यह जीवित रहता है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। अब यहाँ पर कह रही हैं कि 4 महीने के बाद धीरे धीरे जो है यह खत्म हो जाता है, और तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते हैं, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय कण बनते रहते हैं, जैसे ही जो कण नष्ट होते हैं फिर नया बन जाते हैं, नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, मतलब नए नए फिर कण बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने हैं, होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर दीदी बता रही हैं कि हड्डियों के जो बीच में मज्जा होता है उसमें बहुत ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण करते हैं, रक्त कण बनाते रहे कारखाने, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कारखाने में विभिन्न तरह के सामान बनते हैं, उसी तरह मज्जा, हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है उसमें बहुत सारे कारखाने जैसे होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं। इनके लिए इन कारखानों को क्या देना पड़ता है, जैसे कच्चा माल हम लोग कारखाना में देते हैं तो सामान तैयार होता है, उसी तरह क्या होता है, कारखाना में क्या क्या डालना पड़ता है, प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये सब उपयुक्त मात्रा में होते हैं। और यहाँ पर अनिल को बता रही हैं डॉक्टर दीदी कि क्या क्या लेना चाहिए, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, गोश्त मांस को बोलते हैं, मीट को, यह सब क्या होता है, यह सब तत्व उपयुक्त मात्रा में, इसमें विटामिन्स होते हैं। तो यह सब बच्चों आप लोग तो जानते ही होंगे कि यहाँ देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर हरी सब्जी दिया हुआ है, अंडा दिया है, गोश्त दिया है, दूध दिया है, तो यह सब सबको सेवन करना चाहिए, बच्चे को भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन से ही हम लोग यह खाएंगे तो शरीर में खून की कमी नहीं होगी और आगे पढ़ाई लिखाई भी हम लोग ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए इस पाठ को आप लोगों को दिया गया है ताकि बच्चे लोग खान पान में बहुत परेशानी करते हैं, घर में ठीक से खाना, हरी सब्जी नहीं खाते हैं, तो आप लोग जब यह पाठ पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि शरीर के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है, हरी सब्जी, दूध, अंडा, गोश्त, मीट, फ्रूट वगैरह।
तो आगे बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं खाता है, फल दूध हरी सब्जी वगैरह, तो क्या होता है, कारखानों को आवश्यकता अनुसार उसको जो जो सामान चाहिए वह कच्चा माल नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की। इसी कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह देख ही लिए होंगे, समझ गए होंगे कि एनीमिया किस तरह होता है, कि लाल कणों की रक्त में कमी हो जाती है। क्या होता है, नतीजा क्या होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चे कि किस तरह से बच्चे यहाँ बेसिन दिया हुआ है, इसमें हाथ धो रहे हैं सफाई से, तो यहाँ सफाई के बारे में भी बताया जाएगा। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अब अनिल सवाल करता है कि अगर हम लोग संतुलित आहार लेंगे, पौष्टिक आहार खाएंगे, दूध फल सब्जियां हरी सब्जियां, तो इससे क्या होगा, एनीमिया नहीं होगा ना, मतलब हम लोग बच जाएंगे। तो दीदी बोली, हाँ यह कहना काफी हद तक सही होगा, यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। अब यहाँ बता रही हैं डॉक्टर दीदी कि कौन कौन कारण से एनीमिया होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। यहाँ पर डॉक्टर बता रही है कि हमारे देश में अधिकतर लोग पौष्टिक आहार नहीं कर पाते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते हैं, दूध नहीं खाते हैं, और जो पौष्टिक चीज बताया गया है, अंडा वगैरह नहीं खाने से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, और दूसरा कारण है पेट में कीड़े जब हो जाते हैं तो भी ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल, मतलब गंदा जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये जो कीड़े हैं, क्या होता है, गंदा पानी अगर हम लोग पी लिए या खाना बनाने का जो भी सामान है खाद्य पदार्थ, उसको साफ सफाई से अगर बिना धोए हम लोग बना लेते हैं और खा लेते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में कीड़े हो जाते हैं। अतः इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। इसके लिए जरूरी है कि साफ सफाई रखना चाहिए, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, और यहाँ कुछ अंडे का भी नाम दिए हैं जो कि जमीन पर कोई खाली पैर अगर चलते हैं तो उससे भी शरीर के अंदर वह हो जाता है। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे जो बच्चे हैं और छोटे छोटे, वह त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। वो उसका काम क्या है, वह त्वचा से, जैसे खाली पैर अगर चलेंगे तो पैर के रास्ते से क्या होता है, वह धीरे धीरे शरीर में चला जाता है, और इंटेस्टाइन जो होता है आंत में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। और यहाँ पर डॉक्टर दीदी बोल रही हैं कि शौच मतलब लैट्रिन जाने के लिए लैट्रिन टॉयलेट में ही हम लोग जाएं, इधर उधर नहीं जाएं और नंगे पैर बिना चप्पल का इधर उधर नहीं घूमे। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। और अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूब गया और वह थोड़ी देर के लिए चिंता हो गया उसके मन में, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, सफेद कण और बिंबाणु मतलब प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब यहाँ पर डॉक्टर बताएंगी कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु का क्या काम है। तो दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, मतलब रक्षक, जैसे हम लोगों की रक्षा कौन करते हैं, सिपाही करते हैं, उसी तरह सफेद कण जो शरीर में होते हैं वह शरीर की रक्षा करते हैं, वह वीर सिपाही के जैसा होता है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। और क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोई वायरस बैक्टीरिया चला जाता है तो यह क्या करता है, सफेद कण उससे डटकर मुकाबला करता है और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देता, और
अंदर तक वह नहीं जाने देता है। बस संक्षेप में यो मान ले कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते हैं? सफेद रक्त कण। और बिंबाणुओं का क्या काम है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। अब यहाँ पर बिंबाणुओं का क्या काम है इसके बारे में डॉक्टर दीदी बताएंगी कि बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जैसे कभी कभी देखते होंगे बच्चों कि किसी को अगर चोट लग जाता है या कट जाता है तो क्या होता है, लगातार ब्लड बहते ही रहता है। तो बिंबाणु का क्या काम है? रक्त को जमा देना। अगर लगातार ब्लड शरीर से बहते रहेगा तो क्या होगा, सारा शरीर में जो भी ब्लड है वह निकल जाएगा। तो इसके लिए बिंबाणु जो होता है वह क्या करता है, रक्त को जमाता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। और रक्त बहने की जो धमनी होती है उसमें जो थोड़ा बहुत कट फट जाता है तो उसमें क्या करता है, प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की जो प्रोटीन होती है वह मकड़े की जाली के समान जाला बुन देती है ताकि इधर उधर ब्लड ना बह सके। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। और जो बिंबाणु में जो दरार आ जाती है, बिंबाणु इस जाले से चिपक जाती है और इस तरह दीवार में जो आई दरार है वह भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा तो तब तो खून गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाएगा। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अनिल प्रश्न पूछ रहा है कि जब गड्ढा ज्यादा हो जाए, गहरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो बोल रही है कि उस समय उस व्यक्ति को कहाँ ले जाना चाहिए, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ टांके भी लगाने पड़ते हैं, मतलब वहां पर सिलाई करना पड़ता है। अगर अगर गहरा घाव हो तब, अगर छोटा मोटा हुआ तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। और यहाँ पर डॉक्टर बोल रही है कि क्या करना चाहिए, जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं टाइम लगेगा, उस समय तक आप जल्द से जल्द एक साफ कपड़ा वहां पर बांध दीजिए ताकि ब्लड आगे बह ना पाए, रुक जाए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो जाता है। क्या होता है, जल्दी से अगर हम कहीं अगर गड्ढा वाला घाव हो गया है, बहुत ब्लड बह रहा है तो जल्द से कपड़ा से बांध देना चाहिए, तो इससे ब्लड बहना रुक जाता है और फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब डॉक्टर आगे का उपचार करेंगे। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अब यहाँ पर दीदी बता रही हैं कि किसी का भी ब्लड हम लोग किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर जिसका जो ग्रुप का ब्लड होता है वही ब्लड उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ कह रही है कि रक्त को मुख्य चार वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाएगा जो व्यक्ति को जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत होती है, जैसे ए बी या ओ ग्रुप की ब्लड या और तरह के ब्लड होते हैं, तो जिसका ब्लड जिस तरह का होता है उसका ब्लड बैंक से वही ब्लड लाकर उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल पूछ रहा है, तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर दीदी बोल रही हैं कि इसीलिए आपात मतलब मुश्किल पड़ने पर मुश्किलों के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है और जहां जहां पर
हॉस्पिटल होते हैं, अस्पताल होते हैं, वहाँ ब्लड बैंक होते हैं, उसमें बहुत तरह के ब्लड होते हैं, सारे ब्लड ग्रुप के ब्लड उसमें सजा कर रखा रहता है, और जब कोई व्यक्ति को जिस ब्लड ग्रुप का जरूरत पड़ता है वहाँ आसानी से मिल जाता है, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा कि बीच बीच में रक्तदान भी करना चाहिए, तो क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल पूछ रहे हैं। तो दीदी बोल रही है, नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि दीदी क्या कह रही हैं, कि यहाँ आप ब्लड बैंक देख सकते हैं, यहाँ पे मरीज सोया हुआ है, उसको ब्लड की जरूरत है, तो क्या बोल रही है डॉक्टर कि 18 वर्ष से अधिक उम्र जिसका होता है, जो स्वस्थ रहता है, जिसको कोई भी बीमारी नहीं रहता है, उसी व्यक्ति का ब्लड वहां पर ब्लड बैंक में जमा होता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, मतलब 300 ml रक्त लिया जाता है। प्राय हर यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, और लोग अक्सर यह समझते हैं कि रक्तदान करने से क्या होता है, कमजोरी हो जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। और यहाँ पर कह रही हैं डॉक्टर कि यह सही नहीं है, लोग का सोच ऐसा है कि ब्लड अगर हम दे देंगे तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, यह सही नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना होता है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। अब तो आप लोग बहुत कुछ इसमें समझ गए होंगे कि कितना होता है शरीर में, 5 लीटर ब्लड होता है, और 5 लीटर ब्लड होता है इसलिए डॉक्टर बोल रही हैं कि अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति जिसको ब्लड की जरूरत है, उसको अगर जान बचाने के लिए हम लोग कुछ ब्लड दे ही दें तो इससे कुछ भी परेशानी नहीं होती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल बोल रहा है। तो दीदी बोल रही हैं डॉक्टर दीदी कि शाबाश अनिल, मतलब पीठ ठोकते हुए कह रही हैं डॉक्टर दीदी, अनिल की पीठ ठोकते हुए कह रही हैं कि शाबाश अनिल, तुमने बहुत ही अच्छी बात बोला। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, और अभी मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी पढ़ाने जा रही हूँ, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप प्रश्न उत्तर भी साथ में ही कर लेंगे। पाठ्य पुस्तक के ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, फिर जल्दी ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारी में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोज्य पदार्थों में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन पूरी तरह से मिलते रहे। प्रश्न संख्या 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, इनसे बचने के लिए सफाई से बने खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए और साफ जल पीना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए क्योंकि जमीन की ऊपरी सतह पर एक प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, ये अंडों से उत्पन्न लार्वे की सहायता से शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए नंगे पांव कभी नहीं घूमना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि ये रोगों की कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते,
उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। ये हमारी बहुत से रोगों से रक्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में रक्तदान किए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त वहां से ले लिया जा सकता है। इससे मरीज की जान बच सकती है। प्रश्न संख्या 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? उत्तर क्या है? लाल कण। इसमें है पाठ से आगे, रक्त में हेमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो लोहा की। बिंब और प्रश्न संख्या 2 है, बिंबाणु मतलब प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? उत्तर है डेंगू में। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। फुल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।